हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करी विद कमल। आज हम बनाएंगे टोमेटो पुलाव। ये एकदम क्विक एंड इजी रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने प्रेशर कुकर में 3 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर दिया है। अब कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, 2 तेज पत्ते, 1 स्टार एनीस यानी बादिया, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची तोड़ के डाल दी है, 5 से 6 लौंग डाल देंगे, साथ में 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे और इसे 30 सेकंड तक सॉटे करेंगे। जीरा चटकते ही 1 बड़ा प्याज लंबी पतली साइज़ में कटा हुआ है वो ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हल्के से गोल्डन ब्राउन होने तक सॉटे करेंगे। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। ये हमारे प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट तक सॉटे करेंगे। अब हम इसमें 1 आलू मीडियम साइज के टुकड़ों में कटा हुआ है वो ऐड कर देंगे। थोड़ी सी गाजर ऐड कर देंगे, हरे मटर ऐड कर देंगे, स्लीट की हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। 3-4 मिनट के बाद अब हम इसमें 4 बड़े टमाटर मीडियम साइज के टुकड़ों में कटे हुए हैं वो ऐड कर देंगे। अब ये टोमेटो पुलाव है तो हम इसमें टमाटर थोड़े ज़्यादा ही डालेंगे, साथ में सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब टोमेटो पुलाव का मेन इन्ग्रीडियंट पाव भाजी मसाला 1 टेबल स्पून डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, साथ में ही थोड़ा सा हरा धनिया और हरा पुदीना बारीक चॉप्ड किया हुआ है वो ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर के हल्के से सॉफ्ट होने तक इसे पकाएंगे। ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप बासमती चावल को 20 मिनट तक भिगो के रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप जिस कप से चावल को मेज़र करें उसी कप से मेज़र करके पानी ऐड करें। यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिया था तो मैं 1.25 कप पानी ऐड कर रही हूँ। आपने भी जितना चावल लिया हो उसका 1.25 गुना पानी ऐड करें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुकर का ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे इसमें 2 विसल बजा लेंगे। दो विसल बजा लेने के बाद हम तुरंत ही स्टीम को रिलीज कर लेंगे और कुकर को खोल लेंगे जिससे कि चावल ओवर कुक ना हो जाए। ये देखिए हमारा टोमेटो पुलाव रेडी है, 1-1 दाना खिला खिला बना है। अब हम इसे 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे, फिर इसे डिश आउट करेंगे। टोमेटो स्लाइसेस से गार्निश करें और मनपसंद रायते या दही के साथ सर्व करें। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।